जय माता दी दोस्तों, बीएस इनोवेटिव जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं विवेक शुक्ला। आज हम इंग्लिश का ही चैप्टर शुरू करेंगे और इंग्लिश में शुरू करेंगे ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन उन सब कॉम्पिटेटिव पर्संस के लिए ज़रूरी है जिनको इंग्लिश से अप्रोच बनानी है, चाहे वो इंटरमीडिएट हो और कक्षा 8 से लेकर यानी 8 से लेकर जहाँ तक आप इंग्लिश पढ़ेंगे वहाँ तक है। उन सब स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है जिनको इंग्लिश में अपनी पकड़ बनानी है, इंग्लिश समझना है। और मैं कोशिश करूँगा जिन्होंने इंग्लिश कभी नहीं पढ़ी है और प्रयासरत हैं कि इंग्लिश उन्हें आ जाए, तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। इंटरमीडिएट, यूपीएससी, पीसीएस, अदर कॉम्पिटेट एग्जाम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं हमारे ट्रांसलेशन। आइए देखते हैं ट्रांसलेशन है क्या, यानी अनुवाद। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेंस। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। काल का मतलब समय। आज वर्तमान है, आज बीत जाएगा तो भूतकाल आ जाएगा, उसके बाद जो हम फ्यूचर की गोल्डन प्लानिंग करते हैं वो सब फ्यूचर काल, फ्यूचर टेंस में आती हैं। तो शुरुआत करते हैं काल। तो नोट करो, तुम लोग नोट करो। टेंस या काल, तो देयर आर थ्री टाइप्स टेंसेज इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में तीन काल हैं, ये लिखी है टेंस या काल। तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस। बिल्कुल आसान भाषा में सीखेंगे, कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल आसान भाषा में। जो लोग पहली बार भी देख रहे हैं कि इंग्लिश से किस प्रकार से तालमेल बनाया जाए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे नीचे लिखेंगे प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं, जैसे इन्हें हम इंडेफिनिट कहते हैं, कंटिन्यूअस कहते हैं, परफेक्ट कहते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। 1, 2, 3, 4 नोट करो। और प्रेजेंट टेंस का जो बेस है वो हम बता रहे हैं। प्रेजेंट टेंस कैसे समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस ये है? तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहली बात ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है और समय के साथ, ठीक है। तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है और समय के साथ, समय के साथ रहा है या
रही है, आदि। जैसे वह जाता है, वह खाता है, वो नदी में नहाती है, वो दौड़ती है, मैंने चाय पी ली है, वे अपना काम कर चुके हैं, वो दिल्ली जा रहा है, वो बम्बई जा रहा है, उन्होंने अपना काम कर लिया है, और समय के साथ वो 1990 से मेरठ में रह रही है, वो सुबह से अपना काम कर रही है, कुछ बच्चे 2 घंटे से रो रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आता है तो हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस का है। अगर यहीं पर पास्ट टेंस की बात की जाए तो इसके अंत में आएगा था, थी, थे, रहा था, रही थी, चुका था, चुकी थी, और यही है समय के साथ। समय के साथ रहा था या रही थी, तो समय के साथ तो हम यहीं पर डिफाइन कर लेते हैं, आगे भी बताएंगे लेकिन यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो समय के साथ अगर बात की जाए, यहाँ से लिखते हैं, समय के साथ जो बात की जाए, ये हम दो भागों में बांटते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है, इसको निश्चित समय कहते हैं इसे हम थोड़ा अनिश्चित समय कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ए वीक, सम डेज, फ्यू ईयर, फोर आवर्स, सम टाइम, और इन सबके साथ लगता है एफ ओ आर फार। वहीं हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो सिंस के साथ लगाएंगे इसे, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, 4 o'clock, लास्ट मंडे, लास्ट ईयर या मिडनाइट। नोट करो, इसे हम बारीकी से समझेंगे जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस चलाएंगे उसे हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना जरूर नोट करें ताकि बेसिक समझ बन जाए। इधर नोट करते रहो, दिख रहा है? ठीक है। उसके बाद हम देखें फ्यूचर के, देखिए हम सब मेहनत क्यों करते हैं, अपने गोल्डन फ्यूचर के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए, क्या होता है, क्या होता है या नहीं होता है, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हमें परिश्रम करना चाहिए। इसमें आता है होगा, होगी, रहा होगा, रही होगी, चुका होगा, चुकी होगी, और इसमें भी समय के साथ रहा होगा, रही होगी, ईटीसी। टीम चली गई है अभी, वेलकम बाय फ्रेंड। तो मैंने इतना बताया था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनकी क्या पहचान है, बिल्कुल बेसिक ग्रामर का चैप्टर है।
तो हम शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस। आज से हमारा प्रेजेंट टेंस शुरू होता है। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान का। तो बेसिक पहचान नोट करें, प्रेजेंट टेंस में थोड़ा और बताना है। यूज ऑफ इज एम आर का यूज करना है, ठीक है। वेलकम बाय फ्रेंड्स, इंक नहीं थी। तो प्रेजेंट टेंस की शुरुआत कर रहे हैं आज हम। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल को हम नोट करते हैं और उसकी लिखते हैं पहचान। पहचान में क्या है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं। एट आते हैं। ए वीडियो, एसएससी, सीजीएल, ग्रुप डी, रेलवे और बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी समझ यहीं से इंग्लिश में शुरू होगी। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन इंग्लिश का बेस है। अगर अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप फिर काफ़ी मुश्किल होगा, फिर तो ग्लोसरीज भी पढ़ना काफ़ी मुश्किल होगा। तो हम आपको पढ़ाएंगे एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टीसीएस के एग्जाम में आते हैं और अदर स्टेट लेवल के एग्जाम में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहचान ता है, ती है, ते है, आज शब्द आते हैं। तो इतना नोट करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस तरीके से बनता है और किस तरीके से हम समझें। आपको इंग्लिश प्रकार से समझनी है कि आपने कभी कोई डर ही नहीं रहेगा, ठीक है। बिना झिझके, बिना डर के आप इंग्लिश कहेंगे, ठीक। नमस्कार।